बट आफ्टर फ्रेंड्स हम इस पढ़ेंगे लूसेंट, ठीक है, लूसेंट, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे भाग दो, इसमें बीसी और बीसी मतलब ईसापुर, ठीक है, एडी मतलब एडी मतलब ईसापुर ईसवी, ठीक है, किसमें बी सी मतलब होता है ईसापुर और एडी मतलब ईसवी, इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है जन्म। इसमें ईसा मसीह, ईसा मसीह, ठीक है, इनके जन्म क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था कब, 0 ईस्वी में, ठीक है, 0 ईस्वी में ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो ईसा मसीह के पहले का समय, बिफोर, और आफ्टर, इसमें छोटा सा अंतर है, बीसी ईसा पूर्व को कहते हैं, एडी ईसवी को कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, इसके इनके ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा देते हैं, एडी कहा जाता है, ठीक है। इनके टाइम पर एक कैलेंडर भी हुआ था, कैलेंडर भी, और अपन लोग कौन सा कैलेंडर, ग्रिग्रोनियन, ठीक है, ग्रिग्रोनियन कैलेंडर भी इनके उस पर आधारित है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म पर ग्रिग्रोनियन कैलेंडर के द्वारा आधारित है। इस कैलेंडर के द्वारा बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय और ईसा मसीह के बाद के समय को एडी कहा गया है, ठीक है, ठीक है। इसमें कितने, इसमें कुछ संबंध भी है, ठीक है, मतलब ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था, इनके जन्म के पहले का समय बीसी कहा जाता था, इनके बाद के समय को एडी कहा गया, ईसी ईसवा पूर्व कहा गया, ठीक है। क्या हुआ था, विक्रम, इसमें कितने संबंध आते हैं, विक्रम संबंध, इसमें 4 संबंध होते हैं, विक्रम संबंध, ठीक है, शक संबंध और गुप्त संबंध, अपने यहाँ कितने 4 संबंध चलते हैं, विक्रम संबंध, शक संबंध, गुप्त संबंध और हिजरी संबंध, ठीक है। इसमें विक्रम संबंध कब शुरू हुआ था, 57 और 58, ठीक है, शक संबंध को कब का कहा जाता है, 78 ईसा पूर्व ईस्वी, ठीक है, और 319 से 320 के ये जब शुरुआत हुई थी इनकी, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था, 57 बी सी से 588 बी सी से शुरू हुआ, और ये 78 ईस्वी से शुरू हुआ, गुप्त संबंध 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संबंध शुरू हुआ, हिजरी संबंध कब हुआ, 622 में ईस्वी मतलब हिजरी संबंध शुरू हुआ, ठीक है। विक्रम संबंध किन के द्वारा चलाया गया, ठीक है, विक्रम संबंध उज्जैन के स्थानीय राजा के नाम पर, जिनका क्या नाम था, विक्रम नाम था, उज्जैन के स्थानीय राजा विक्रम, जिनका नाम विक्रम था, उन्होंने शकों को, ठीक है, शकों को हराया था, तब से क्या चलने लगा, तब से विक्रम संवत चलने लगा। इन्होंने क्या किया था, विक्रम इनका नाम नहीं था, स्थानीय कोई राजा थे जिनका नाम पता नहीं है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता इसका नाम, और इनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि
इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए इनके इनको विक्रम नाम से संबोधित करके इनको विक्रम संवत के रूप में 1557 से 1588 बीसी तक, बीसी से इनका संवत स्टार्ट हुआ। ठीक है, शक संवत, ये कुषाण वंश के राजा, किसके कुषाण, किसके कुषाण वंश के राजा, जिनका क्या नाम था, कुषाण वंश के राजा कनिष्क प्रतापी राजा, जिनका क्या नाम था, कुषाण वंश के कनिष्क प्रतापी के राजा के नाम पर कनिष्क वंश जब से राज रोहण हुआ था, किसका, कनिष्क प्रताप का, तब से इस शक संवत को मनाया जाता है। ठीक है, इस संवत में महा चैत से शुरू होता है, ठीक है, जो कि 22 मार्च से शुरू होता है, और अंतिम माह इसका क्या रहता है, अंतिम माह इसका फाल्गुन, जो कि 21 मार्च तक होता है। ठीक है, किसमें, राजरोहण शक वंश किसके द्वारा, कुषाण वंश के राजा राजरोहण के दौरान, इनके राजरोहण कनिष्क प्रतापी का राजरोहण के दौरान इस संवत को इस संवत को चलाया गया। इसका पहला माह चैत माह के 22 मार्च से शुरू होता है और इसका अंतिम फाल्गुन माह होता है, जो 21 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चलाया गया, किसके, चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा इस संवत को चलाया है, जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी, इसको मोहम्मद धर्म द्वारा, मुस्लिम धर्म द्वारा चलाया गया ये संवत है। ठीक है, यह किसके द्वारा चलाया गया, मुस्लिम धर्म के अनुयायी क्या बोलते हैं, मुस्लिम द्वारा चला, किसके, मोहम्मद साहब के द्वारा। मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया मुस्लिम धर्म द्वारा इसको हिजरी संवत के नाम से जाना, इनके जन्म से ही इनको, मतलब इन्होंने हिजरी संवत अपना अलग ही बना लिया। ठीक है, इनको मोहम्मद साहब को 622 ईसवी पूर्व में क्या ज्ञान की प्राप्ति की थी इन्होंने, इसी उस जिस दिन पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी दिन से इनको हिजरी संवत के नाम से इन्होंने अपना एक अलग ही क्या बना लिया, अपना संवत बना लिया। ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, हीरा नामक गुफा में इनको ग्रंथ की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसको, मोहम्मद साहब को, हीरा नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी के बाद फिर उन्होंने अपना एक संवत स्थापित कर लिया। संवत और देखो संवतों के बीच का अंतर भी बताया, इसमें क्या बताया, संवत शक संवत और हिजरी संवत के बीच कितने का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर, इसके बीच है 544 वर्ष का अंतर। ठीक है, किसी शक संवत और हिजरी संवत के बीच में कितने संवत का अंतर, शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है, कितने, शक संवत और विक्रम संवत के बीच में के अंतर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है अंतर, कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है, ये हो गया अपना संवत खत्म।
ठीक है। और हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अपने वेद, ठीक है। इसमें आपका सम्मत का वेद खत्म हो गया, अब आप बीच में कभी भी वो नहीं करेंगे, ठीक है, दिक्कत। यजुर्वेद, अपनी अपना क्या टॉपिक चल रहा था, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की ऋचियाँ पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, इसकी ऋचियाँ पढ़ने वाले को आर्धर्व, ठीक है। इसका अपभेद कौन सा है, इसका उपभेद का नाम है धनुर, जिसमें क्या पाया जाता है, इसके उपभेद में गद्य और पद्य, उपभेद में क्या, इसमें गद्य और पद्य से संवादित किया जाता है, और सामवेद, इसका उपभेद क्या है, गंधर्व, सामवेद का उपभेद क्या है, गंधर्व वेद सामवेद का उपभेद है। इसमें इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, इसकी ऋचियों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, इस उदात, इसकी उदात इसके पढ़ने वाले को कहा जाता था, ठीक है। इसको इसमें क्या है, संगीत, संगीत के माध्यम से इसको गा के सुनाया जाता था, ठीक है। ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, अब चौथा कौन सा है, अर्थवेद, ठीक है। अर्थवेद में क्या है, इसमें अर्थवेद के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अर्थवेद के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अर्थवेद जो कि चौथे नंबर का वेद है, इसमें क्या होता था, अर्थवेद में इसमें कन्या के जन्म की निंदा की जाती थी, किसकी, कन्या के जन्म की, निंदा, ठीक है। और जादू टोने पे विश्वास, और जादू टोने पे विश्वास, ठीक है, जादू टोने पर विश्वास किया जाता है। वसीकरण और बलिदान, वसीकरण और बलिदान क्या होता था, वसीकरण और बलिदान पे ज्यादा वो किया जाता था, ठीक है। इसका उपभेद क्या है, इसके उपभेद का नाम है शिल्प वेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद इसके उपवेद का नाम है। इसमें ब्रह्मा को, इसके देवता कौन से, इसमें देवता, इसमें ब्रह्मा, सॉरी, ए इसके पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता था, इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, इसके पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। इसमें कौन से देवता की प्रधानता थी, इसके देवता को, प्रजापति, किनके, अर्थवेद में इनके देवता को क्या कहा जाता, प्रजापति, जिसमें सभापति, सभा और समिति, जिसमें सभा और समिति होती थी, ठीक है। इसमें ये चीज हो गया, इसमें वेदांग, अगला टॉपिक क्या है, वेदांग, इसी में अर्थवेद खत्म हो गया, ठीक है। इसमें जादू टोना और कन्या की निंदा, कन्या के जन्म की निंदा की जाती थी, ठीक है, और जादू टोने पर विश्वास रखा जाता था, ठीक है। वेदांग, अब क्या पढ़ेंगे टॉपिक, वेदांग, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वेदांग, वेदांग कितने होते, छह, शिक्षा,
ज्योतिष, ज्योतिष, कला, कितने वेदांग के, कितने कल्प, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, कला, छंद, व्याकरण, छंद और व्याकरण। वेदांग कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, कला, छंद और व्याकरण। वेदांग 6 प्रकार के होते थे। पुराण, ठीक है, पुराण कितने? 18 पुराण है, ठीक है, 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे अठा पुराण कितने? पुराण 18 है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। और उसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे लोमहर्ष, लोमहर्ष, ठीक है। और उग्री ग्या, उग्र ग्या भी, इसके रचयिता कौन थे? लोम और हर्ष, ठीक है। और एक और पुराण है, पुराण कौन कौन से? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। इसमें विष्णु पुराण किसके वंश में? मौर्य वंश द्वारा लिखित है, मौर्य वंश द्वारा लिखित कौन है? विष्णु पुराण है, ठीक है। और वायु पुराण कब लिखा गया? वायु पुराण लिखा गया गुप्त वंश में, ठीक है। और मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण कब लिखा गया? किनके वंश में लिखा गया? आंध्रा सप्त बाहन, ठीक है। इनके इनके कालों में क्या लिखा गया? ये पुराण लिखा गया, ठीक है। वेद, वेद ब्रह्मांड, वेद में ब्रह्मा अरक क्या क्या होते? वेद में ब्रह्मा अरक अभ्रक उपनिषद किस में? वेद में ब्रह्मांड है, अर्क और उपनिषद, इन सब की संख्या कितनी है? इन सब की संख्या है 108, ठीक है। उपनिषद किसे कहा जाता? उपनिषद गुरु के समीप, ज्ञान गुरु के समीप ज्ञान ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? उपनी उपनी उपनिषद, ठीक है। किसको? अरक, हाँ सॉरी, उपनिषद को नहीं, अरक, गुरु के समीप ज्ञान ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? उपनिषद, उपनिषद क्या कहा जाता था? गुरु के समीप ज्ञान ग्रहण करने वाले को उपनिषद कहा गया था। जो जी उपनिषद की संख्या कितनी लिखी गई? और वेद में वेद जो कि ब्रह्मांड द्वारा पढ़े जाते थे, और अरण्यक जो कि इनके समीप बैठकर इनकी रचनाओं को लिखते थे, ठीक है, ग्रहण इनका ज्ञान ग्रहण करते थे और खुद के द्वारा लिखते थे उनको गुरु के समीप। और इन्होंने 108 उपनिषद लिखे गए हैं, ठीक है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? उपनिषद लिखे जाते थे किन के द्वारा? अरण्यकों के द्वारा ये उपनिषद लिखे। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छंदयोग, छंदयोग सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें से क्या लिया गया है? मुंड कोपनिषद, मुंड को उपनिषद, मुंड को उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमिन जयते, ये मुंड को उपनिषद से लिया गया है, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? मुंडकोश निषद, और सबसे छोटा छंदयोगिनी, ठीक है।
और वेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते थे, इनके समीप ज्ञान प्राप्त करने वाले को अर्यक कहा जाता था, जिनके द्वारा उपनिषदों की उपनिषद की रचना हुई। ठीक है फ्रेंड्स।